राजस्थान की राजनीति में पिछले दिनों से लाल डायरी को लेकर काफी हंगामा मचा हुआ है कि आखिर इसमें क्या लिखा है। कांग्रेस सरकार से बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड़ा का कहना है कि इसमें सरकार के काले कारनामे छिपे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि अगर मैं धर्मेंद्र राठौड़ के घर से ये लाल डायरी नहीं निकालता तो सीएम अशोक गहलोत जेल में होते। दूसरी तरफ भाजपा भी इस डायरी को लेकर कांग्रेस सरकार पर लगातार आरोप लगा रही है, लेकिन अभी तक इस बात का खुलासा हो नहीं पाया है कि आखिर लाल डायरी में छिपा क्या है। वहीं बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने अब इसे लेकर नया खुलासा किया है। उन्होंने लाल डायरी पढ़कर सुनाई है और दिखाई भी है। इस डायरी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओएसडी सौभाग सिंह और पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ के बीच राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन यानी आरसी के चुनावों में लेनदेन की बातचीत का जिक्र है। सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत ही अभी आरसीए के अध्यक्ष है। राजेंद्र गुड़ा ने लाल डायरी पढ़ने के दौरान आरसीए चुनावों में किसी हिसाब किताब की बात की है। इसमें लिखा है कि भवानी शंकर समोता और राजीव आए आरसी चुनाव का हिसाब किताब किया। आरसी चुनाव का हिसाब किया, भवानी समोता ने ज्यादातर लोगों से जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया, तो मैंने कहा कि यह ठीक नहीं है, आप इसे पूरा कर दें। तब भवानी समोता ने कहा, मैं सीपी साहब की जानकारी में डालता हूँ। मेरे दोनों के आरसी चुनावों में खर्च को लेकर चर्चा हुई थी, भवानी समोता किस तरह तय करेंगे लोगों को। फिलहाल राजेंद्र गुड़ा की ओर से लाल डायरी को लेकर ये बातें ही कही गई हैं। राजस्थान की राजनीति में लाल डायरी का मामला बढ़ता ही जा रहा है और साथ ही अशोक गहलोत की भी मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। अब गुड़ा की ओर से जो बातें कही जा रही है इसमें कितनी सच्चाई है ये सामने आना फिलहाल बाकी है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि लाल डायरी का एक हिस्सा चुनावों में अशोक गहलोत के लिए खतरा बन सकता है। ऐसे में देखना होगा कि गहलोत इन सबसे कैसे निपट पाते हैं। लोकवार्ता न्यूज़ जयपुर।